ये बंदा छिपने की कोशिश कर रहा था, देखो हम इसको कैसे मार गिराते हैं। इसको मारने के बाद एक बंदा हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो देखो उसको हम कैसे मारते हैं। ओले तो स्वागत है दोस्तों आपको एक नई वीडियो में। तो हम यहाँ पर एक नया मैच लगाने वाले हैं, तो मे भी यहाँ पर हम लोग गोल्ड बेसिन उतरने वाले हैं, तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि आज हम इस मैच में क्या क्या सीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोल्ड बेसिन में उतर जाते हैं, और उतरने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ वेपन्स लेंगे। वेपन्स लेने के बाद हमें तैयार रहना होगा, तो चलिए घर में घुसते हैं। यहाँ पर बैंडेज मिल गया है हमें, यूजी है, तो हमें जो भी स्टार्टिंग में वेपन्स मिलेंगे हम उसे अपने पास रख लेंगे, ताकि जो भी हमें इनेमी मिलेगा हम उसे ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। इस बार हमें इनेमी को ढूंढ ढूंढ कर मारना है, तो इस बार हम टारगेट रखते हैं कि कम से कम 30-32 तो किल कर ही लेंगे, और साथ में चिकन डिनर, वो तो स्पेशलिस्ट होगा ना, तो वो तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो चले हम अभी यहाँ पर इनेमी को ढूंढते हैं, हमें कोई इनेमी तो नज़र आ जाए, उसके बाद फिर हम उसको देखिए कैसे ठोकते हैं। तो हमें यहाँ पर स्कोप भी मिल चुका है, और हमारे पास यूजी है, और हमें अभी यहाँ पर M416 भी हमें भी यहाँ पर ले चुके हैं, और हम यहाँ से अब इनेमी को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं। तो हमें सामने गाड़ी दिख रही है, तो हम उसी गाड़ी से अभी ट्रैवल करने वाले हैं। तो पहले कुछ बैंडेज किट या कोल्ड ड्रिंक्स हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद इनेमी को भागने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर से देखते हैं क्या क्या होता है, पहले इनेमी तो मिल जाए, हाले को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तो गाड़ी में बैठ के हम इनेमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ सुनाई दे रहा है, मतलब आसपास ही गोलियाँ चल रही है। तो हम ड्रॉप के पास आने से पहले हम इधर जो आवाज़ आ रही है उधर पहले देखते हैं कौन है वहाँ पर। तो हमें यहाँ पर एक बंदा दिखाई दे रहा है, मे भी बोट ही होगा शायद, क्योंकि वो हमें देख के गोली नहीं चला रहा, क्योंकि वो देख के हमें वो गोली चलाने की कोशिश करता, लेकिन वो शायद हमें देखा नहीं। तो यहाँ पर और कोई नहीं है, तो हम उसको ही मार गिराते हैं। तो उसको हम ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया वो, देखते हैं। हमने उसको नॉकआउट कर दिया था, तो यहाँ पर स्मोक है, हम यहाँ पर से स्मोक ले लेते हैं, और उस बंदे को ढूंढते हैं जिसको हमने नॉकआउट किया था, तो वो रहा। चलो यहाँ पर हमने एक बंदे को मार दिया है, और हम दूसरे इनेमी को ढूंढते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किल कर पाए और मैच में अपनी पकड़ बनाए रखें, क्योंकि हमें तो इस बार चिकन डिनर करना ही है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ पबजी गेम में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अपना पबजी आईडी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम जब भी गेम खेलेंगे हम आपको साथ में अपने साथ टीम में ज्वाइन कर लेंगे, और आपका अगला वीडियो में हम भी लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे कमेंट करें। यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर मुझे बंदे की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर शायद कोई आ रहा है, देखो सामने है वो। इधर उधर बहुत भागने की कोशिश कर रहा था। फाइनली हमने इसे नॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन क्या हो जाता है, हमने इसको नॉक कर दिया है। हम इसमें देखते हैं क्या क्या रखा हुआ, बैंडेज है और इसके पास। अब हम गाड़ी से जाते हैं, हमें नदी के पास जाना है, और हमें उधर से आवाज़ आ रही है कि उधर कुछ बंदे हो सकते हैं, तो हम नदी को पार करेंगे। सोचा था एक बार में पार हो जाएगी, लेकिन हमारा गाड़ी नदी में ही गिर गया, पर कोई बात नहीं, हम सेफ हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, नहीं तो गेम जैसा है दुश्मन मारा जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, और इनेमी की आवाज़ तो इधर आ रही है, इधर भी कोई हो सकता है। तो हमें एक बंदा दिख गया है, देखो मे भी यहाँ पर दो बंदे हो सकते हैं, यहाँ पर दो बंदे हैं, देखो कैसे मारते हैं दोनों को कंफ्यूजन में। एक बंदे को लगता है कि हम उसके ही आदमी हैं, लेकिन उसे कंफ्यूजन हो जाती है कैसे करते हैं।
यार एक बंदा तो अगर नहीं मारते उसको तो वो तो हमें मार ही देता है यार, लेकिन हमने वक्त रहते समय हमने उसको नॉक कर दिया। तो जब भी ये ध्यान रखना पड़ता है एक बंदा, और हमने उससे गया, भाग गया, बच गया वो, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और एक बंदा इधर है, हम इसे मार देते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब दो बंदे हो तो वहाँ पे हमें नॉक होने का ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन हमें ध्यान से खेलना पड़ता है कि कहीं वो हमें मार ना दे। तो हमें यहाँ हमें सीख से स्कोप भी मिल चुका है, और हम यहाँ से जाने वाले हैं ड्रॉप के पास। अब हम यहाँ से सीधे ड्रॉप के पास जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। तो चलते हैं ड्रॉप के पास में, AWM या जो भी हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं, और हम चिकन डिनर करने के करीब है, बहुत करीब है। यहाँ पर हमें एक बंदा मिल गया, देखो छत पे छिपने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा है। वो हमें देखा नहीं, लेकिन हमने उसे देख लिया। अब हम देखो उसको कैसे बजाते हैं सिक्स एस स्कोप से। हमारे पास सिक्स एस है और हम उसको मार के रखते हैं। ओले, एक बंदा और यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चलो तो उसको हम बजाते हैं। कहाँ भाग, फाइनली हमने उसे मार दिया। अपने से नहीं बच सकता है वो, क्योंकि हम टारगेट लेके निकले हैं कि हमें तो चिकन डिनर करना ही है। अरे घर में बैठे करेंगे क्या, कम से कम चिकन डिनर तो कर ही सकते हैं ना। तो हम 20 किल 35 किल तो नहीं कर पाए, लेकिन मे भी हम यहाँ पर चिकन डिनर कर ही लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दो बंदे दिखे यहाँ पर, दो बंदे हैं गाड़ी से, कोई नहीं। निशाना निशाना चूक रहा है, किस्मत अच्छी है उनकी, वो बच गए। फाइनली हम यहाँ ड्रॉप के पास आ गए हैं। यहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो आएगा ही, इसको निशाने पर लेकर रखते हैं। तब तक यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए किट विट सब ले लेते हैं। हम देखते हैं कोई बंदा आता है या नहीं। वहाँ पर एक बंदा ड्रॉप उड़ने के लिए बंदे तो आएंगे ही, तो हम यहाँ पर निशाना लगा के रखते हैं। देखते हैं कौन आता है यहाँ पर से। किसी बंदे की आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है ड्रॉप के पास में। हम निशाना लगा के रखते हैं, एक बंदा शायद वहाँ पे है। हाँ दिखा, हम उसको शूट आउट करके बच गया। फाइनली हमने उसे मार दिया। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही बंदे यहाँ पर है इस मैच में, दो ही बंदे भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें फाइनली एक बंदे को और मारना है, देखते हैं वो कहाँ छिपा हुआ है। वो घर में, भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो काफ़ी इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली हमने उसे मार दिया और हम ये गेम जीत गए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।